इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने एनटीवी टाइम न्यूज के माध्यम से हमारे संभागीय ब्यूरो प्रमुख दुर्गेश चंद्रशेखर धूलदेह से विशेष चर्चा की। शहर में ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण के सवाल पर बीजेपी सरकार एवं प्रशासन को लिया आड़े हाथों। एनटीवी टाइम न्यूज के माध्यम से कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 5,000 बेड की व्यवस्था करवाने की घोषणा की गई। विधायक शुक्ला ने कहा कि समस्त खर्च वे खुद उठाने को तैयार, प्रशासन करे सहयोग। आप भी देखिए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के साथ एनटीवी टाइम न्यूज के हमारे संभागीय ब्यूरो प्रमुख जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धुलोए द्वारा की गई यह विशेष चर्चा। नमस्कार, मैं एनटीवी टाइम न्यूज से संभागीय ब्यूरो प्रमुख जिला इंदौर दुर्गेश चंद्रशेखर धुलोए एनटीवी टाइम न्यूज के आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जी। संजय भैया, स्वागत है आपका एनटीवी टाइम न्यूज में। संजय भैया, कालीचरण महाराज जी द्वारा राष्ट्रपिता गांधी जी पर जो टिप्पणी की गई उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और सर्वप्रथम हिंदू हुए मुस्लिम हुए सब सब यानी यहाँ तक हिंदुस्तान में पाकिस्तान आसपास के सभी लोग उनको मानते हैं क्योंकि उन्हें हमारे देश आज़ाद कराया। देश आज़ाद कराया, आज यही अनमोल हो या कुछ भी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी इज्जत करते हैं, पूरा देश उनकी इज्जत करता है, उन पर जो टिप्पणी की है वो गलत है। संजय भैया, इंदौर शहर में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, कल इंदौर में 137 केस आए हैं, तो इससे आप सरकार से प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे कि इससे बचाव हेतु क्या कर सकती है प्रशासन? देखिए, प्रशासन पहले भी कुछ नहीं कर पाया तो इसमें हजारों मौतें हो गई थी। हम पहले नहीं, इसकी पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, हम हर लहर में होते हैं कि आप अपनी तैयारी कीजिए। अब जब आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर लहर चल रही है, अपने इंडिया में आने वाली है, तो आज ही प्रशासन मोदी का लाया जो ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी ने लगातार घोषणाएं करी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, यहाँ लगेंगे, आधे ऑक्सीजन प्लांट आज भी बंद पड़े हुए, चालू नहीं हुए, अब चालू करने की बात कर रहे हैं। वही सेवा कोई अस्पताल और चालू करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने विधानसभा पश्चिम लगाया था, उसमें करोड़ों रुपया खर्चा आया था, वो बर्बाद हो गया था, आज भी बर्बाद हो गया, फिर करोड़ों रुपये लगेगा, फिर बर्बाद हो जाएगा। इसके बजाय एमबाय के आसपास में नेहरू अस्पताल है, चाचा नेहरू अस्पताल है, डेंटल कॉलेज है, उसके अलावा हॉस्टल है, वहाँ तैयारी करना चाहिए। वहाँ पे क्यों, वहाँ ऑक्सीजन भी है, वहाँ डॉक्टर भी हैं, नर्सें भी हैं, सब कुछ है, एक वहाँ दवाई का मार्केट भी है, सब कुछ वहाँ होने वाला, वहाँ क्यों नहीं करना, मुझे ये समझ नहीं आता। सेवा पूंजी क्यों करना? सेवा पूंजी इसलिए करना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लोग वाई वाई लूटे जाते हैं, पर जनता की मौतें हो रही हैं उसका ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वो इंदौर से बहुत दूर है खंडवा रोड पर, और उसके अलावा पुलिस ने कोई छावनी बना रखी है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, तो उसके साथ इलाज करते क्या मतलब, वहाँ जाके सिर्फ सोने की बात करते हैं, उसके अलावा पेशेंट सीरियस होगा तो उसको भी यहीं लाना है। तो मैं तो अभी आज भी निवेदन करूँ प्रशासन से कि मुझे मेरे साथ चले, मैं 5,000 बेड की व्यवस्था करूँगा एम बाय के आसपास में, और वहाँ पूरी व्यवस्था करके दिखाऊंगा, और वहाँ काम होना चाहिए जिससे आम जनता की इलाज हो सके, नहीं तो कोई वही दूसरी लहर की स्थिति आई, हज़ारों मौतें होगी, उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री होंगे। और आज भी मैं कह रहा हूँ इंदौर में जो टीके लग रहे हैं, देखिए कल भी स्कूलों के अंदर बेचारे बच्चे बैठे हुए थे, वहाँ पर टीके लगाने वाले नहीं पहुँचे, सिर्फ वाई वाई नहीं होता, पेपर से काम नहीं होता, काम को देखना पड़ेगा, जनता देख रही है, जनता ने पहले भी देखा, अभी भी देखा, यहाँ तक कि मेरी विधानसभा के अंदर मैं टीके लगवा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी लोगों ने टीके की मशीन जो शिविर लगाया था वो बंद करा दिया, हाँ, कांग्रेस लोगों शिविर बंद करा ना, वो चाहते हैं नहीं कि जनता की हम सेवा करें, जनता देख रही है, ये लोग सिर्फ वहाँ पर अपने कार्यालय जाकर वहाँ पर खोल रहे हैं। मैंने जो व्यवस्था करी थी वहाँ पर बेड की व्यवस्था करी थी, पूरे पानी की व्यवस्था करी थी, ऐसे पंखे लगाए थे, परंतु वहाँ नहीं, परंतु ये किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या उसके घर में खोलने के तैयार रहते हैं, परंतु मेरे सरकार में जो मैंने खुद पूरी व्यवस्था करी थी वो बंद कर दिया और झूठ बोल के बोला अपने घर में खोल रहा है। मेरे घर नहीं, मेरे घर के सामने ऑफिस था, वहाँ बड़ी व्यवस्था थी, वहाँ 5,000 फीट का प्लाट था, मैं उसको खोल रहा था। तो प्रशासन हमेशा दुर्व्यवहार कर रहा है और आगे भी करता आ रहा है, हमेशा करता आ रहा है, और जनता की मौतें इसके कारण हुई, ये विभाव कर रहा है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी लोगों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी लोग बोलते हैं वही काम करते हैं, ये गलत हो रहा है, इससे जनता की मौतें हो रही है। 2023 में जवाब देगी जनता ने, जो करना था वो तो कर दिया है, अब 2023 में जवाब देगी या नगर में चुनाव देगी। हाँ संजीव भैया, अलीराजपुर झाबुआ से सांसद हैं गुमन सिंह दामोद, इनके ऊपर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है, इसमें क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी पहले भी उनको उठाते आती है, हजारों करोड़ रुपए घपले हो रहे हैं। आज भी देखिए हाई कोर्ट ने एक एमपीवी इंजीनियर को 5,00,000 रुपए का जुर्माना दिया, और उसके बावजूद भी मंत्री जी ने उनको और बहाल कर दिया, ऐसी हालत हो रही है। तो ये जो 600 करोड़ के जो तो उनके संसद हैं,
तो ये सब घपला हो जाए है और उसको दबाया जाता है तो उसको हो उसको तत्काल उनका इस्तेमाल लेना चाहिए, तत्काल वहाँ से उनको बाहर करना।